भी पंजाब वालों पेट्रोल भरवा लो, सारी सब्सिडी खत्म हुई तो पेट्रोल बहुत महंगा होगा। पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में 31 से 50 रुपए लीटर इजाफे का इम्कान, ओग्रा ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर 29 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 73 रुपए सब्सिडी दे रही। कार बनाने वाली कंपनी में महंगाई की मैराथन, हुंडई कंपनी ने भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की कीमत में 1.5 लाख रुपए तक का इजाफा। हुंडई सोनाटा 2.5 1 लाख रुपए महंगी, सोनाटा 2.0 की कीमत 1,40,000 रुपए बढ़ा दी गई। सख्त गर्मी में अंडे की कीमत भी गर्म, मुल्तान में अंडे 120 से बढ़कर 150 रुपए दर्जन हो गए। फी पेटी 500 रुपए महंगी, कीमत 3,900 रुपए पर जा पहुंची। खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान, हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। गर्मी के सताए आवाम के लिए लीमो पानी महंगा मशरूब बन गया। मुल्तान और जलालपुर पिरवाला में लीमो की कीमतों को पर लग गए। सब्जियां 10 से 20 रुपए महंगी, करेले 120 रुपए, भिंडी 80 रुपए किलो हो गई। प्याज और टमाटर 100 रुपए किलो बिकने लगा, रवां की फली 250 रुपए किलो। गर्मी की शदीद लहर में सूरज का कहर, मुल्तान और डीडी खान का पारा 48 डिग्री को छू गया। मुजफ्फरगढ़ का टेम्परेचर 47 डिग्री रिकॉर्ड, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद के हल्क भी खुश्क। बहावलपुर में 24 हीट वेव कैंप्स कायम, गर्मी की हालिया लहर 16 मई तक बरकरार रह सकती है। शहरी बाहर निकलने में एहतियात करें, महकमा मौसमियात की पेशन गोई। तिबी माहरीन ने ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। हुकूमती अदम तवज्जी फंड्स की अदम मौजूदगी या फिर कारंग की अदम दिलचस्पी, शहरी औली की पब्लिक लाइब्रेरियां वीरान होने लगीं। लाखों किताबें लिए वीरान लाइब्रेरियां, पढ़ने वालों की मुंतजर। तालिब इल्मों का कहना है कि लोग घर बैठे इंटरनेट पर मौजूद किताबें पढ़कर अपना शौक पूरा करते हैं। तहरीक इंसाफ का मुल्तान में 20 मई को पावर शो, कप्तान की जारहाना इनिंग्स के लिए पुरजोश। खिलाड़ियों की तैयारियां जारी, जराय के मुताबिक जलसे के लिए 1.5 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया। अखराजात अरकीन कौमी और सूबाई असम्बली में तकसीम करने का फैसला, जलसा कमेटी ने अहदेदारों और टिकट होल्डर से तावल लेने की तजवीज दे दी। ऑर्डर लगाएं, घर बैठे अद्वियात की मुफ्त डिलीवरी पाएं। बहावलपुर में मेडिक्यूक फार्मेसी की तीसरी ब्रांच का आगाज, मैनेजिंग डायरेक्टर अरशद जावेद ने वन यूनिट चौक पर फार्मेसी ब्रांच का अफ्तिताह किया। असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर शाजिया ताहिर ने कहा कि फार्मेसी पर कस्टमर्स के लिए फ्री हेल्थ केयर की सहूलत भी दी गई। मुख्तलिफ हेल्थ कैंप्स में शरीक फार्मासिस्ट में तारीफी असनाद भी तकसीम। और मसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्क बार फजाएं, सिटी न्यूज नेटवर्क की 130 रुकनी वक्त की मदीना हाजरी। दर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम के नजराने पेश, नमाजों के बाद नवाफल की अदायगी। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की गई। वक्त ने जन्नतुल बकी में हाजिरी थी। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर भी गए। अहले बैत के लिए फातिहा खानी, ओहद के पहाड़ समेत मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत।